हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज विपुल ने हमको फ़ोन किया है, सौरभ मिश्रा, दा मिश्रा जी। तो अभी आ रहे हैं घर पे मिलने के लिए मुझसे, और वो मेरी बुआ के लड़के हैं और हमारे छोटे भाई हैं, और हमसे बहुत लगाव है उनका। तो आज घर पे आएंगे, उनका थोड़ा सा स्वागत करना है और आप लोगों को भी मिलाएंगे। और यहाँ जब भी कादीपुर आते हैं तो वो मुझसे मिलने ज़रूर आते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें उनका ये व्यवहार कि मुझसे मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको कहना चाहूँगा, और मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊँगा। कि दोस्तों, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। फिलहाल आ गए हैं हमारे मनु भैया, और हम लोग वाकई में बहुत मज़ा ले रहे हैं। गाँव में इस समय धुंध की कमी है, और कल यहाँ पर बारिश भी हुई थी। शिमला मनाली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग हालांकि आज धूप निकला हुआ है। ये हमारे सुमित भाई बहुत बड़े ज्ञाता हैं एयर कंडीशन। ये हमारा नया लैपटॉप। ये हमारे दा मिश्रा जी, हमारे छोटे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बुआ के लड़के हैं हमारे, आए हमसे मिलने घर पे, और ये इनके ऑडियंस और बच्चे जो है सब्सक्राइबर आए हैं इनसे मिलने के लिए। कहीं भी पहुंचते हैं जैसे ही हम लोग कॉलोनी में एंटर किए, और तुरंत भाइयों ने, जो हमारे छोटे छोटे हमारे ऑडियंस है, ये हमारी जो क्या कहते हैं लॉयल ऑडियंस है, वो तुरंत हमें पहचान गई, और यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं। तो भाई, कौन सी क्लास में आप लोग? 8, 8, 3, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4,
इनके ऊपर कैमरा करो। बिल्कुल। ब्लॉग देखते हो, वीडियो देखते हो इनके? हाँ। अच्छा। आप लोग जो है सब मतलब वीडियो देखते हो इंस्टा से भी और यूट्यूब से? क्या बात है, क्या बात है आप लोग। अरे घर भी वही है। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे सभी बच्चों से मिलना हुआ कादीपुर में आज, बहुत अच्छा लग रहा है यार। दोस्तों आप लोग ही हमारी लॉयल ऑडियंस हैं जो कि सारे व्यूज वगैरह देते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा क्रेज है द मिश्रा जी का। ये बच्चे लोग एकदम फैन हैं इनके, साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। बड़ी दूर से आए लोग, वहाँ सामने से आए हैं, इन लोगों का घर उधर है, और रास्ते में गाड़ी आते हुए देख लिए तो देख लिए, साथ साथ आ गए फोटो खिंचवाने के लिए, मिलने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है सब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चौराहे की तरफ, कादीपुर जी चौराहे की तरफ हम लोग निकल चुके हैं। और भैया से बहुत मिलकर अच्छा लगा। और हमेशा ये होता है कि जब भी आते हैं कुछ ना कुछ काम रहता है, ज़्यादा समय नहीं दे पाते, लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आता है भैया से मिलकर। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जब भी आते हैं तो ऑडियंस इतनी ज्यादा आ जाती है कि बैठ के बात भी नहीं कर पाते हम लोग ढंग से। हाँ बच्चे, कॉलोनी में होता ये है कि जैसे दो तीन बच्चों को पता चलता है, फिर वो जाके सबको बुला लाते हैं। हाँ, वो दोस्तों से बोल देते हैं, फिर ऐसे ऐसे बात फैल जाती है और सभी लोग सोचते हैं कि भाई सभी तो लोग 10 मिनट बैठना भी नहीं हो पाए, ठीक से बात भी नहीं कर पाए, चाय भी ढंग से नहीं पी पाए, बच्चे लोग आके फोटो खिंचवाने लगे। तो सब बच्चों का प्यार है, अच्छा लगता है वैसे ऑडियंस मिलती है तो। बिल्कुल निश्चल प्यार है। हाँ निश्चल प्यार है। तो फिर आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। देखिए आप सामने देख सकते हैं आप लोग बच्चे लोग। युवा उत्तर प्रदेश, युवा उत्तर प्रदेश। मिलते हैं, मिलते हैं, अभी जा रहे हैं हम, फिर आएंगे वापस। कब आएंगे हम? 2-3 दिन बाद। ठीक है, ओके, बाय बाय। युवा उत्तर प्रदेश, युवा उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों ने देखा ये है बच्चों का क्रेज और द मिश्रा जी का क्रेज। बाबा काशी विश्वनाथ की माया है। सब बाबा काशी विश्वनाथ की माया है और भगवान श्री रामचंद्र जी की माया है जी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इनका अभी 6 तारीख कल की डेट में एक वीडियो लॉन्च हुआ है जी 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 जी। भजन है अनूप जलोटा जी के साथ, श्री रामचंद्र जी का भजन है। तो आप लोग देख सकते हैं भोजपुरी टी चैनल पे लॉन्च हुआ है जी। तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप शेयर कीजिए उसको, सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और
और भैया के व्लॉग निरंतर रूप से देखते रहे हैं, भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी इसी चलते अभी 22 तारीख को वहाँ अयोध्या भी जाने की प्लानिंग है भैया की। लेकिन भैया मैं तो कहूँगा कि जैसे इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि मतलब तमाम गतिविधियों में वहाँ पे हो सकता है रोक भी लगा दिए हो कि इन जगहों पे कैमरा अलाउड नहीं है। कैमरा अलाउड नहीं, हाँ हाँ, ऐसी जगह, इसीलिए मैं तो कहूँगा थोड़े दिन बाद जाएं। ये देखिए एक ऑडियंस और आ गई है, फैन है हमारे, सब फैन है, तो रोड पे ऐसे चलते रहेंगे, ऑडियंस मिलती रहेंगी। हृदय के बहुत करीब हैं ये सभी फैंस हमारे। हाँ, हृदय के करीब हैं ये, दिल से प्यार करते हैं, कोई दिखावा नहीं है, कोई पैसा दे के नहीं आई आई हुई पब्लिक है, तो बिल्कुल कुछ नहीं जी, सब दिल से लगाव है, सौभाग्य है हमारा। तो हम यही चौराहे पे उतर जाएंगे जी, और विपुल दमिश्रा जी जाएंगे अपना बाल कटवाने के लिए। थोड़े बाल बड़े हो गए व्यस्तता की वजह से, लेकिन ये है कि भैया जल्दी मुलाकात होगी। अरे बिल्कुल, आइए आइए, फिर चलते हैं फिर कहीं घूमने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ फाइनल मैच हो रहा है, कादीपुर क्रिकेट लीग का कादीपुर के ग्राउंड में ये फाइनल मैच हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं पीछे धनंजय मिश्रा का विकेट था, और धनंजय मिश्रा एक अच्छा लक्ष्य भी बनाया है, इस बीच खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन ये भी आउट, लगातार दो विकेट, 1100 रुपए। पुराने क्रिकेट खिलाड़ी भारत राज पाठक का दर्शकों के बीच, और इस टीम हार जाएगी आज की। ये मुकाबला बहुत बड़े अंतर से जीता है, अब एक गेंद बचा है। मतलब अभी एक गेंद बचा है, सारा स्टंप उखड़ गया, बच्चों ने उखाड़ दिया। तो जगदीशपुर ने ये मैच जीत लिया है बहुत बड़े अंतराल के साथ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कादीपुर ये मैच हार चुकी है जगदीशपुर से, अंतिम मुकाबला भी हो चुका है, यानी फाइनल हो चुका है, तो जगदीशपुर ने ये मैच जीत लिया है। तो गाइस रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, 10:30 बज रहा है, और मेरी एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल दूसरे ब्लॉग में। मैंने आप लोगों को मिश्रा जी से मिलवाया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मिश्रा जी के कौन कौन फ़ैन हैं, इंस्टाग्राम पे कौन कौन फॉलो करता है, यूट्यूब पे कौन कौन सब्सक्राइब किया है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में। और मिलते हैं कल दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।